हेलो फ्रेंड्स, मैं हूँ विक्की रुनवाल और स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल की ऑनलाइन क्लासेस में। अभी तक हमने कंपनी चैप्टर के अंदर, कंपनी अकाउंट्स के अंदर क्वेश्चन नंबर 19 तक कंप्लीट कर लिए। दो क्वेश्चंस के और पेंडिंग है, बीच में शायद एक दो क्वेश्चन और रह गए हों, तो उसके बारे में आप कमेंट में जरूर लिख देना कि कौन कौन से क्वेश्चन पेंडिंग है। मैं इतना देख नहीं पाऊंगा, तो आप बता देना कौन कौन से क्वेश्चन बाकी है, वो क्वेश्चन भी मैं करा दूंगा। तो लगभग आज मैं इस चैप्टर को कम्प्लीट करवाने वाला हूँ। 20 क्वेश्चन का एक वीडियो अलग आएगा और 21 क्वेश्चन का सेपरेट वीडियो एक अलग आएगा। उस चैप्टर के बाद में हम चैप्टर नंबर 10 जो है वो स्टार्ट करेंगे। बट बिफोर चैप्टर 10 में आपको एक पास्ट एग्जाम पेपर का एक पूरा कंप्लीट पेपर 2020 का सॉल्व करवाने वाला हूँ, ठीक है? तो या तो 20 क्वेश्चन के बाद में या 21 के बाद में एक वीडियो आएगी, बड़ी वीडियो होगी, जिसके अंदर पास्ट पेपर्स आपके जो है वो मैं 4 से 5 साल के पेपर्स आपको सोल्व कराऊंगा, ठीक है? तो बड़ी वीडियो होने वाली मान लिए, और काफ़ी इंपॉर्टेंट चीज़ भी हो जाती है, ताकि हमें ये पता चले किस टाइप के क्वेश्चंस एग्जाम्स में बनते हैं, क्लियर? तो आज हम अब कंपनी अकाउंट्स में जो स्टार्ट कर रहे हैं वो है हमारे पास में इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर्स का टॉपिक। इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर्स, यानी कि इसको हिंदी में कहें तो ऋण पत्रों पर ब्याज। अब इसकी क्या क्या जनरल एंट्रीज होती हैं उसके बारे में आज के हमारी जो क्लास है वो होने वाली है। बट बिफोर इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर्स हम एक छोटा सा कॉन्सेप्ट क्लियर करेंगे, उसके बाद आप इसकी सारी जनरल एंट्रीज को कर सकते हो। तो पहली बात आती है हमारे पास में, जब हम जनरल एंट्रीज करते हैं इंटरेस्ट की, पहली चीज़ तो इंटरेस्ट होता क्या? जब भी कंपनी डिबेंचर इश्यू करती है पब्लिक को, तो इस शर्त पर डिबेंचर इश्यू करती है कि हम हर साल, ध्यान दीजिएगा, हर साल एनुअल एक फिक्स रेट ऑफ इंटरेस्ट से आपको क्या करेंगे, ब्याज देंगे, ठीक है? फिक्स रेट से हम आपको क्या करेंगे, ब्याज देंगे। वो बात अलग है कि जो इंटरेस्ट है वो कंपनी हाफ ईयरली भी दे सकती है, क्वार्टरली दे सकती है, त्रैमासिक रूप से, छमाही दे सकती है, या फिर पूरे एक साल से भी दे सकती है, ठीक है? तो जैसा कंपनी चाहे दे सकती है, लेकिन इसकी जो रेट होती है वो एनुअल हमेशा प्रिस्क्राइब की जाती है। हमने अभी तक बहुत सारी एंट्रीज करी जिसके अंदर हमने पढ़ा था परसेंटेज डिवेंचर्स, और इस परसेंटेज डिवेंचर के आगे एक नाम लिखा होता था, सपोज कीजिए 10% डिवेंचर्स। तो ये 10% किसको रिप्रेजेंट करता है? ये जो 10% है ये रिप्रेजेंट करेगा रेट ऑफ इंटरेस्ट को, रेट ऑफ इंटरेस्ट। और ये हमेशा रेट ऑफ इंटरेस्ट जो रिप्रेजेंट करता है वो एनुअल रेट ऑफ इंटरेस्ट को रिप्रेजेंट करता है। एनुअल मीन्स वार्षिक, ठीक है? तो पहली चीज तो कि ये जो हम डिबेंचर इश्यू करते हैं पब्लिक में, ठीक है, और पब्लिक से जो पैसा लेते हैं इसके बदले में हम उन्हें हर साल इस रेट से क्या करेंगे, इंटरेस्ट पे करेंगे। वो बात अलग है कि हम इनको 6 मंथली पे कर सकते हैं, क्वार्टरली पे कर सकते हैं, ठीक है? तो पहली चीज तो ये, हम उनको इंटरेस्ट पे करते हैं। अब बात यह आती है कि जब हम उनको इंटरेस्ट पे करते हैं तो बेसिकली हमारी जो एंट्रीज होती है उसमें क्या क्या रुकावट आने वाली है। जब हम इसके एंट्रीज करेंगे तो इसके साथ में हम एक टॉपिक और पढ़ेंगे, टीडीएस। टीडीएस की फुल फॉर्म होती है टैक्स डिडक्टेड एट सोर्स। क्या होती है? टैक्स डिडक्टेड एट सोर्स। ये टैक्स का एक पॉइंट है। सर, इस चीज को हम यहाँ क्यों पढ़ रहे हैं? क्योंकि ये अकाउंटिंग का एक मेथड है। जब भी आप अकाउंटिंग करते हो तो साथ में हमें अकाउंटिंग में इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर्स की अकाउंटिंग के साथ साथ टीडीएस को भी ध्यान में रखना पड़ता है। अब ये टीडीएस वास्तव में होता क्या, थोड़ा इसको समझते हैं। एक कंपनी है एक्स वाई जेड लिमिटेड, क्लियर? इस कंपनी ने पब्लिक में इशू किया डिबेंचर्स। क्या इशू किए? डिबेंचर्स। किसको इशू किए? पब्लिक को, ठीक है? पब्लिक में इसने जो डिबेंचर इश्यू किए वो सपोज कीजिए 1 लाख 10% डिबेंचर थे एट द रेट ऑफ 10 ईच, ठीक है? 1 लाख डिबेंचर, नंबर ऑफ डिबेंचर्स 1 लाख है, 10 रुपए का, यानी कि हमने पब्लिक में 10 लाख रुपए के डिबेंचर इशू कर दिए और कंपनी ने उनसे 10 लाख रुपए ले लिए, ठीक है? अभी 10 लाख के ऊपर हर साल कंपनी इनको क्या करेगी, इंटरेस्ट पे करेगी। किस रेट से इंटरेस्ट पे करेगी? 10% से। यानी कि अगर मैं इनके एक साल के इंटरेस्ट की बात करूं, एनुअल इंटरेस्ट इनके एक साल का जो इंटरेस्ट होता है वो कितना होगा, वो इस टोटल अमाउंट का, हमेशा अमाउंट के ऊपर इंटरेस्ट कैलकुलेट होता है। 10 लाख रुपीज का 10% कितना होता है? 1 लाख रुपीज जो है वो इंटरेस्ट होता है। यहाँ तक पॉइंट क्लियर है? अब बात आती है, ये कंपनी करती क्या है, ये हर साल इंटरेस्ट किसको देती है? डिबेंचर होल्डर्स को, जो हमारे ऋण पत्र धारी होते हैं,
डिबेंचर होल्डर, ऋण पत्र धारी जो होते हैं उन्हें, ऋण पत्र धारी उन्हें हर साल ही इंटरेस्ट दिया जाता है। लेकिन अब थोड़ा सा दिमाग लगाइएगा, ये जो डिबेंचर होल्डर्स हैं जिनको ये इंटरेस्ट मिल रहा है, कि क्या ये इंटरेस्ट उन डिबेंचर होल्डर्स के लिए इनकम का एक सोर्स है? यस, उनको मिल रहा है, उनके लिए तो इनकम है। अच्छा, हम कंपनी है, हम उनको पे कर रहे हैं, तो कंपनी के लिए क्या होता है? एक्सपेंस होता है। लेकिन डिबेंचर होल्डर्स के लिए एक चीज़ क्या हो जाती है? इनकम हो जाती है। तो ध्यान रखना, ये जो इंटरेस्ट होता है, ये वाला इंटरेस्ट, ये कंपनी के लिए तो क्या होता है? लॉस होता है, ठीक है। ये आप इसको एक्सपेंस मान लो, ज़्यादा बेटर है। और डिबेंचर होल्डर्स के लिए ये इंटरेस्ट क्या होता है? इनकम होती है, ठीक है, समझना अच्छे से। तो हमने इंटरेस्ट पे किया डिबेंचर होल्डर्स को। अब डिबेंचर होल्डर्स की ये ड्यूटी बनती है, ये लाइबिलिटी बनती है कि डिबेंचर होल्डर्स के लिए इनकम है, इनकम है, इसलिए गवर्नमेंट को इस इनकम के ऊपर उसको टैक्स पे करना चाहिए, ठीक है। तो ये नॉर्मली गवर्नमेंट को इनको टैक्स पे करना चाहिए, लेकिन ये लोग करते क्या हैं, जैसे ही कंपनी ने इन डिबेंचर होल्डर्स को इंटरेस्ट दिया, ये चुपचाप से उसको छिपा लेते हैं और गवर्नमेंट को शो ही नहीं करते हैं कि इनको इंटरेस्ट रिसीव भी हुआ है, ठीक है। अब गवर्नमेंट एक एक पर्सन के पास जाके पूछ तो नहीं सकती कि आपने किसी कंपनी में पैसा लगाया है क्या, डिबेंचर्स के थ्रू आपको इंटरेस्ट मिला है क्या, क्लियर। तो इनकी जो लाइबिलिटी थी गवर्नमेंट को टैक्स पे करने की, ये क्या करते हैं, उस लाइबिलिटी को फॉलो नहीं करते और ये गवर्नमेंट को टैक्स डिपॉजिट नहीं करवाते, ठीक है। तो यहाँ बैठी है गवर्नमेंट, गवर्नमेंट इनके पास में कैसे जाए, किस तरीके से टैक्स ले? तो गवर्नमेंट ने कहा भाई अब इसका क्या सॉल्यूशन निकाला जाए, ये डिबेंचर होल्डर्स जो होते हैं ये लोग तो चुपचाप से इसको छिपा लेते हैं, इनको इंटरेस्ट की जो इनकम हुई है उसको इन्होंने छिपा लिया, जब इन्होंने इनकम छिपा ली तो उसके ऊपर टैक्स देते ही नहीं है। तो गवर्नमेंट ने कहा सीधा आप जाइए उस कंपनी के पास जो कंपनी इंटरेस्ट डिक्लेयर कर रही है किन लोगों को, इन डिबेंचर होल्डर्स को, ठीक है। तो गवर्नमेंट के लिए इन एक एक लोगों को ढूंढने से बेटर क्या है, वो एक कंपनी को ढूंढ ले मैन, ठीक है। डिबेंचर होल्डर्स तो 1,00,000 है लेकिन कंपनी तो एक ही है, ऐसे बहुत सारी कंपनीज के पास डायरेक्टली चली जाती है और गवर्नमेंट उन कंपनीज को जाके कहती है कि जो आप इनको इंटरेस्ट पे करोगे उस इंटरेस्ट में से इन लोगों को टैक्स देना चाहिए था जो ये लोग नहीं देते और छिपा लेते, ठीक है। तो एक काम करो, आप जब इनको इंटरेस्ट दोगे ये 1,00,000 रुपीज़ का, तो सबसे पहले आप इसमें से हमारा जो टैक्स होता है उसको पहले से अलग कर लो, ठीक है। तो हमारे जो भी टैक्स बनता है इस 1,00,000 रुपीज़ पे, आप उसको पहले से अलग करके रख दो और बाकी का जो अमाउंट है वो आप इनको पे कर दो। अच्छा, इस केस में ये लोग भी कुछ नहीं कह पाएंगे क्योंकि ऑब्लिगेशन है इनके लिए, दायित्व है, लाइबिलिटी है इनके लिए, इनको तो पे करना ही चाहिए था, ये नहीं करते। तो कंपनी ने सीधा काट लिया और ये कंपनी को ये नहीं कह सकते हैं कि आपने हमारी इनकम में से, हमारे इंटरेस्ट में से टैक्स क्यों काटा, ठीक है। तो गवर्नमेंट ने सीधा कंपनी को बोला कि आप क्या कीजिए, जो भी आपका टैक्स बनता 1,00,000 रुपीज़, तो इस 1,00,000 रुपीज में से आप एक काम कीजिए, सपोज कीजिए हमारी टीडीएस की रेट जो है 30% है, ठीक है, इमेजिन कीजिए, रेट कुछ भी हो सकती है, अप्रोक्स से 30% मान के चलते हैं। तो आपकी जो टीडीएस की रेट है वो 30% है, तो गवर्नमेंट इस कंपनी को कहती है आप इसमें से 30,000 जो है टैक्स हमारा पहले से अलग कर दो और बाकी जो 70,000 बच जाते हैं उसको आप डिबेंचर होल्डर्स को दे दो, सही बात है। तो कंपनी के लिए तो 1,00,000 पहले भी खर्चा था, अभी भी 1,00,000 ही खर्चा, इस एक में से 30,000 वो रोक लेगी, गवर्नमेंट को डिपॉजिट करा देगी और बाकी की 70,000 डिबेंचर होल्डर्स को दे देगी। तो कंपनी को कोई नुकसान नहीं है, कंपनी आराम से यहाँ से टीडीएस काट सकती है, डिबेंचर होल्डर ऑब्जेक्शन नहीं उठा सकते कि आपने पैसा क्यों काटा, टैक्स है बनता पे करना पड़ेगा। तो ये जो टैक्स था ये टैक्स कहाँ पर कट गया, ये टैक्स उस जगह पर कट गया जहाँ से उस इनकम का सोर्स आ रहा था। इस इनकम का जो सोर्स है, स्रोत क्या है इस इनकम का, यानी इंटरेस्ट इनको मिल कहाँ से रहा, कंपनी से, तो कंपनी सोर्स हो गई। तो टैक्स जो है वो सोर्स के ऊपर ही जब कट जाता है उसी को हम क्या बोलते हैं, टैक्स डिडक्टेड, डिडक्ट मींस कट जाना एट सोर्स, क्लियर पॉइंट। तो अब जब हम इंटरेस्ट पे करेंगे तो इसके साथ में ही हमें टीडीएस की भी एंट्रीज देखनी पड़ेगी कि टीडीएस की एंट्री क्या होती है, ठीक है। अगर इस कॉन्सेप्ट को आप अच्छे समझ गए तो हमें एंट्रीज करने में कहीं पर भी दिक्कत नहीं आने वाली, ठीक है, बहुत ही बेसिक से हमारी एंट्रीज होने वाली है। तो ये था हमारे पास टीडीएस क्या होता है, टीडीएस का कॉन्सेप्ट क्या है, वो थोड़ा सा हमने आपको क्लियर करवाया। अब अगर हम बेसिक एंट्रीज की बात करें कि टीडीएस और इंटरेस्ट की एंट्रीज क्या क्या होती है, तो इस केस में हम 3 एंट्रीज करते हैं। कितने एंट्रीज करते हैं? 3। तो डिबेंचर इंटरेस्ट पे करने पर 3 एंट्रीज की जाती है। सबसे पहली एंट्री जो होती है वो इंटरेस्ट की ड्यू करने की एंट्री होती है, बकाया
ड्यू करने का मतलब है कंपनी ने बोला हमें ये चीज़ पे करनी है, इंटरेस्ट ड्यू। सबसे पहले इंटरेस्ट ड्यू होता है और उसके बाद हम इंटरेस्ट का पेमेंट करते हैं, इंटरेस्ट पेड चुकाया जाता है। और तीसरी एंट्री, क्योंकि ये बिजनेस के लिए यानी कि हमारे लिए कंपनी के लिए खर्चा एक्सपेंस है, और बिजनेस में जितने भी एक्सपेंस होते हैं उन सारे एक्सपेंस को साल के एंड में हमेशा कहाँ ट्रांसफ़र किया जाता है, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में ट्रांसफ़र किया जाता है। और कंपनी जो होती है वो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट नहीं बनाती, वो बनाती है स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस। ठीक है, तो साल के एंड में एट द एंड हम क्या करेंगे, इस इंटरेस्ट को ट्रांसफ़र करेंगे, इंटरेस्ट ट्रांसफ़र टू SPL, स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। तो तीन ही एंट्रीज है जो हमारी करनी है। अब वो बात अलग है, अगर इंटरेस्ट जो है वो 6 मंथली पे किया जाएगा तो ये जो एंट्री हर 6 6 मंथ में की जाएगी, यानी दो दो एंट्री जो हम कर रहे हैं फर्स्ट और सेकंड, ये जब भी इंटरेस्ट ड्यू होता है और पे होता है तब की जाएगी। लेकिन ये वाली जो एंट्री है ये हमेशा याद रखना, ये एट द एंड होती है, एट द एंड पूरे साल के एंड में। यानी कि ये थर्ड वाली एंट्री सिर्फ एक की जाती पूरे साल में। ये एंट्रीज अगर 6 महीने हैं तो साल में दो बार एंट्री की जाएगी, अगर 6 6 महीने से ब्याज दिया जाता है। अगर 3 3 महीने से इंटरेस्ट पे किया जाएगा तो 3 3 महीने से पूरे साल में 4 बार इंटरेस्ट पे होगा, तो 4 बार एंट्रीज की जाएंगी। क्लियर है? चलिए और प्रैक्टिकल क्वेश्चन करेंगे और आ जाएगा उसमें। अब बात आती है इंटरेस्ट ड्यू होने पर हम क्या एंट्री करते हैं, तो हम एंट्री करेंगे इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर्स, इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर्स अकाउंट डेबिट, कि डिबेंचर्स पे इंटरेस्ट है। टू में हम लिखेंगे टू डिबेंचर होल्डर्स, होल्डर मतलब जिन्होंने हमारे डिबेंचर ले रखे हैं, तो ये हमारे लिए बिजनेस के लिए खर्चा है इसलिए हमने इंटरेस्ट को डेबिट किया। डिबेंचर होल्डर्स को हमें पे करना, बाकी अभी पे किया नहीं, ड्यू करने की एंट्री करें। ड्यू मतलब हमारे बुक्स में लिख रहे हैं कि उनको चुकाना बाकी है। ठीक है, तो कुछ तो डिबेंचर होल्डर्स को दे देंगे इनमें से, और कुछ हमें गवर्नमेंट को देना पड़ेगा इस इंटरेस्ट में से। कुछ डिबेंचर होल्डर्स के लिए रोक लो और कुछ रोक लो टैक्स डिडक्टेड एट सोर्स, जिसे आप चाहें तो शॉर्ट में TDS भी लिख सकते हैं। फर्स्ट एंट्री होगी इंटरेस्ट ड्यू करने की, टोटल 1 लाख यहाँ आ गया, कितना डिबेंचर होल्डर्स को दे देना, 30,000 हम टैक्स डिडक्टेड एट सोर्स के लिए TDS के लिए रोक लेंगे। ठीक है, ये एग्जांपल वाला जो था उस पर बताया। अब दूसरी एंट्री इंटरेस्ट पे करने पर, अच्छा इंटरेस्ट के साथ में हम यहाँ पर ये भी पे करेंगे एंड TDS, TDS भी तो पे करना पड़ेगा अपने को, तो दोनों चीज़ें पे करेंगे। तो ये हमने उस टाइम लाइबिलिटी बनाया उसको ड्यू करते वक्त कि हमारा दायित्व है इसलिए उसको क्रेडिट किया, लाइबिलिटीज का पेमेंट करेंगे तो लाइबिलिटीज कम हो जाएगी। इस केस में हम लाइबिलिटीज को डेबिट कर देंगे, लाइबिलिटीज बढ़ने पर क्रेडिट होती है, कम होने पर डेबिट हो जाएगी। तो हमारी एंट्री होगी डिबेंचर होल्डर्स अकाउंट डेबिट, गवर्नमेंट को TDS पे करना है, TDS अकाउंट डेबिट, आप ये तो पूरा लिख सकते हैं टैक्स डिडक्टेड एट सोर्स, और टू में आ जाएगा टू बैंक अकाउंट। अगर 6 6 मंथ से यानी साल में अगर दो बार इंटरेस्ट पे करोगे तो दोनों एंट्री दो बार होगी साल में। अगर आप 3 3 महीने से इंटरेस्ट पे करते हो तो साल में 4 बार इंटरेस्ट पे किया जाएगा 3 3 महीने से, तो ये वाली एंट्री साल में 4 बार की जाएगी। अब ये है, ये जो इंटरेस्ट था ये हमारे लिए बिजनेस के लिए एक्सपेंस है, इसलिए साल के एंड में इसको हम SPL में ट्रांसफ़र करते हैं। तो हमारी एंट्री होती है इसको मैं ट्रांसफ़र कर रहा हूँ इंटरेस्ट को, इंटरेस्ट अभी डेबिट है, ट्रांसफ़र करूँगा तो क्रेडिट हो जाएगा, और डेबिट क्या हो जाएगा इस केस में, स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट, और टू में आ जाएगा ये इंटरेस्ट टू इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर्स अकाउंट। क्लियर पॉइंट? तो ये हमारे पास में होती है इंटरेस्ट की बेसिक सी एंट्रीज। अब एक पॉइंट और, इंटरेस्ट की जो कैलकुलेशन होती है, जो काउंटिंग होती है, वो कहाँ से की जाती है, यानी कि हम जो इंटरेस्ट पे करते हैं, नॉर्मली ध्यान रखना डिबेंचर्स में आप जब इंटरेस्ट पढ़ोगे उसको 6 मंथली पढ़ोगे, ठीक है, 6 6 महीने से इंटरेस्ट पे करेंगे। तो एक छोटा सा एग्जाम्पल लेता हूँ, एक कंपनी है उसने 1 अप्रैल 2020 में डिबेंचर इशू किए, ठीक है, और उसने फाइनली डिबेंचर्स का अलाउटमेंट जो किया है ना वो किया है 31 मई 2020 इसने डिबेंचर्स का कर दिया अलॉटमेंट, ठीक है, ये तो एक पॉइंट। अब बात ये आती है कि कंपनी इन डिबेंचर्स पे इंटरेस्ट पे करना चाहती है हर 6 मंथ से, ठीक है, यानी इंटरेस्ट जो है वो हाफ ईयरली पे किया जाएगा, हाफ ईयरली,
हाफ ईयरली इंटरेस्ट पे किया जाएगा, और इंटरेस्ट की जब हाफ ईयरली पे होता है तो ध्यान रखना इंटरेस्ट की डेट फिक्स होती है। हर बार जब कंपनी ने बता दिया 6 मंथली होगा तो एक डेट भी बताएगी। सपोज कीजिए उसने बोल दिया 30 जून और 1 जनवरी को हर साल इंटरेस्ट पे किया जाएगा, ठीक है? तो इनके बीच में क्या 6 मंथ का गैप आ गया, तो पहला इंटरेस्ट कब पे होगा? 30 जून को, अगला 1 जनवरी को, फिर वापस 30 जून, फिर 1 जनवरी, 30 जून, 1 जनवरी, इस तरीके से हर साल डिसाइड होगा। ये आगे जाके 30 जून, 1 जनवरी आता रहेगा, लेकिन फर्स्ट टाइम जब इंटरेस्ट पे किया जाएगा तो इस टाइम हमें थोड़ा सा सोचना पड़ेगा। डिबेंचर हमने इशू तो 1 अप्रैल को कर दिए, अलाउट जो किए हैं ये 1 मई को अलाउट किए हैं। जब भी हम इंटरेस्ट की कैलकुलेशन करेंगे फर्स्ट इंटरेस्ट की, यानी पहली बार जब इंटरेस्ट होगा, क्योंकि नेक्स्ट जो भी इंटरेस्ट होगा उसमें तो 6 6 मंथ का टाइम गैप आता रहेगा, फर्स्ट जो इंटरेस्ट हम पे करेंगे उसमें हमेशा हो सकता है 6 मंथ से कम का टाइम पीरियड आए। जैसे हम इशू से कभी भी इंटरेस्ट की काउंटिंग नहीं करेंगे, इंटरेस्ट पे जो किया जाएगा उसको कहाँ से कहाँ तक पे किया जाएगा उसकी काउंटिंग हमेशा डेट ऑफ अलाउटमेंट से होनी चाहिए, पहले इंटरेस्ट की काउंटिंग, ठीक है? पहला इंटरेस्ट डेट ऑफ अलाउटमेंट से लेकर जब उसने डेट डिस्क्राइब कर रखी है वहाँ तक हमने कहा कितने मंथ होते, ध्यान से देखना। 31 मई को हमने अलाउट किया, 30 जून को पहला इंटरेस्ट देना है, तो इस केस में पहला इंटरेस्ट जो है वो सिर्फ 1 मंथ का होगा, 1 महीने का, 1 महीने का इंटरेस्ट पे करेंगे। अच्छा, उसके बाद अगला इंटरेस्ट जब होगा वो 1 जनवरी को होगा, तो 30 जून से अब काउंट करेंगे 1 जनवरी, और देखिए यहाँ पर आ जाएंगे 6 मंथ। नेक्स्ट इंटरेस्ट 30 जून को, वापस 6 मंथ, नेक्स्ट 1 जनवरी को, फिर 6 मंथ, यानी आगे के जो भी इंटरेस्ट आने वाले हैं उसमें टाइम पीरियड हमेशा फिक्स होगा 6 6 मंथ का अगर बोल दिया तो। लेकिन फर्स्ट जो है उसमें हमेशा हमें चेक करना पड़ेगा कितने मंथ का इंटरेस्ट पे करना है, क्योंकि क्वेश्चन आपको हमेशा एनुअल रेट बताएगा, एक साल का 10%, तो हमें 1 महीने का कैलकुलेट करना पड़ेगा कितना होता है, 2 महीने कितना होता है, अगर 4 महीने होते 4 महीने कितना होता है, ठीक है? तो ये तो था हमारी इंटरेस्ट की कैलकुलेशन में, ये जनरल एंट्रीज, इंटरेस्ट की कैलकुलेशन में क्या क्या दिक्कत आ सकती है। एक प्रैक्टिकल क्वेश्चन और करते हैं अपन, ठीक है? जो क्वेश्चन नंबर हमारे पास में है 20th क्वेश्चन, और ज़्यादा अच्छा पॉइंट क्लियर हो जाए। क्वेश्चन नंबर 20, पेज नंबर है हमारे पास में 227। देखिए क्या लिखा हुआ है, डेट अच्छे से देखना। राकेश लिमिटेड ने 1 अप्रैल 2016 को 8 लाख रुपए के 12% ऋण पत्र जनता को प्रस्तावित किए। प्रत्येक 100 रुपये वाला संपूर्ण भुगतान आवेदन पर 1 मई 2016 को या इससे पूर्व देय था। राकेश लिमिटेड ऑफर टू द पब्लिक, हमने पब्लिक में ऑफर किए हैं 12% डिबेंचर्स, ठीक है? ये हमने इशू किए, और इशू की डेट दे रखी इन्होंने 1 मई 2016, ठीक है? डेट का बहुत इंपॉर्टेंट रोल होता है इसलिए याद रखना यहाँ पर। और कितने के थे ये टोटल हमारे पास? 8 लाख रुपीज़ के डिबेंचर्स, रुपीज़ बोल दिया इन्होंने, ठीक है? तो हम सीधा रुपीज़ से एंट्री कर लेंगे। निर्गमन की शर्तों के अनुसार इन पत्रों पर ब्याज 6 माही आधार पर प्रतिवर्ष 30 सितंबर और 31 मार्च को 10% आयकर काट कर किया जाएगा। अब देखो इंग्लिश में भी रीड कर लेना। एज पर द टर्म्स ऑफ इश्यू ऑफ डिबेंचर्स इंटरेस्ट वॉज पेबल हाफ ईयरली, यानी इंटरेस्ट जो है वो हमेशा हाफ ईयरली पे करना है, हाफ ईयरली। अच्छा, इंटरेस्ट की रेट यहाँ क्लेरिफाई कर दी 12%, हाफ ईयरली इंटरेस्ट है, और इसकी भी डेट इन्होंने यहाँ पर क्लेरिफाई कर रखी है 30 सितंबर, 30 सितंबर और 31 मार्च एंड 31 मार्च, ये इन्होंने दो डेट भी यहाँ पर प्रिस्क्राइब कर दी, ठीक है? फिर आगे कह रहा है, जनता से 8,000 इन पत्रों के लिए प्रस्ताव पत्र आए, कंपनी मेड अलॉटमेंट ऑफ डिबेंचर, सॉरी पब्लिक ऑफर टू द पब्लिक ऑफ पब्लिक ऑफर टू द परचेज ऑफ 8,000 डिबेंचर्स, पब्लिक ने 8,000 डिबेंचर्स खरीदने के लिए हमें ऑफर किया। कंपनी मेड अलॉटमेंट ऑफ डिबेंचर्स ऑन 1 जून 2016, ध्यान देना अलॉटमेंट कब हुआ डिबेंचर्स का, डिबेंचर्स का अलॉटमेंट हुआ है 1 जून 2016, 1 जून 2016, बहुत इंपॉर्टेंट डेट है यहाँ पर, ठीक है?
कंपनी की बुक्स में हमें क्या क्या करनी है, एंट्रीज करनी है, और P&L स्टेटमेंट में क्या शो करना है वो भी, हमें कितना ट्रांसफर करना वो भी हमें यहाँ पर शो करना है। ठीक है, तो पूरा क्वेश्चन मैंने आपके यहाँ पर सामने लिख दिया है। अब इसको समझते हैं थोड़ा। हमने 1 मई को डिबेंचर इश्यू किए और फाइनली कंपनी लोगों को अलाउट कब कर रही है, डिबेंचर्स अलाउट किए जा रहे हैं 1 जून को। ठीक है, यानी 1 जून से अगर हमें इंटरेस्ट की काउंटिंग करनी है, फर्स्ट इंटरेस्ट की, याद रखना फर्स्ट इंटरेस्ट में ही दिक्कत आती है, आगे कहीं पर भी प्रॉब्लम नहीं आने वाली है। ठीक है, तो हमने जो डिबेंचर्स अलाउट किए वो 1 जून को अलाउट किए, तो पहला जो इंटरेस्ट होगा वो जून से लेके सितंबर तक होगा। ये होगा ना 22 सितंबर और 31 मार्च, तो हर साल बराबर आएगा। पहला इंटरेस्ट सितंबर में हो गया, अगला मार्च में होगा, फिर वापस सितंबर, फिर मार्च, सितंबर, मार्च ही आता रहेगा। लेकिन फर्स्ट इंटरेस्ट जो पे करेंगे अपन वो 1 जून से लेकर 30 सितंबर तक, यानी कितने मंथ हो रहे हैं, फर्स्ट इंटरेस्ट में जून आएगा, जुलाई, अगस्त और सेप्टेम्बर, 4 मंथ्स। तो फर्स्ट जो इंटरेस्ट होगा वो 4 मंथ का होगा। नेक्स्ट इंटरेस्ट हमेशा देखिए सेप्टेम्बर से यहाँ तक 6 मंथ, फिर 6 मंथ, 6 मंथ, आगे चलता जाएगा। ठीक है, तो पहला जो इंटरेस्ट है वो हमेशा 4 महीने का ही, सॉरी हमेशा नहीं, इस केस में हमें देखना पड़ेगा कि डेट ऑफ अलॉटमेंट क्या है। डेट ऑफ अलॉटमेंट से हम जो हमें डेट दे रखी है कि इस तारीख को हमें इंटरेस्ट पे करना, वहाँ तक चेक करना पड़ेगा कि फर्स्ट इंटरेस्ट कितना हो रहा है, सेकेंड इंटरेस्ट जो होगा, थर्ड इंटरेस्ट जो होगा, यानी फ्यूचर के जो इंटरेस्ट हम पे करेंगे वो हमेशा 6 6 मंथ के गैप से, तो 6 6 महीने का ही उसमें आने वाला है। उसमें 4 महीने, 2 महीने, 1 महीने देखने की भी जरूरत नहीं पड़ेगी, फर्स्ट इंटरेस्ट में देखने की जरूरत पड़ेगी। ठीक है, तो पहली चीज़ तो हो गई है इंटरेस्ट। अगर मैं इंटरेस्ट की काउंट, अच्छा पहले अपन जनरल एंट्रीज कर लेते हैं। इशू करने की वैसे क्वेश्चन है, जनरल एंट्रीज बोली नहीं है, लेकिन फिर भी मैं आपको इशू करने की भी इसमें एंट्रीज कराता हूँ कि अगर हम डिबेंचर इशू करेंगे तो क्या होगा। तो देखिए 1 मई को हमने डिबेंचर्स इशू किए और फाइनली हमने अलाउट कब किए, 1 जून को, तो इशू करने पर 1 मई 2016 ये एंट्री हम करेंगे। एंट्री जाएगी हमारे पास बैंक अकाउंट डेबिट टू डिबेंचर्स एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट, सारा पैसा एक साथ ही मांग लिया हमने। अच्छा कितने रुपीस थे, 8 लाख रुपए के डिबेंचर्स थे। ठीक है, 8,000 डिबेंचर्स 100 रुपीस का एक, हमने अलाउट जो किया वो एंड डेट यहाँ पर प्रिस्क्राइब कर देंगे, 1 जून को हमने अलाउट किया। अलाउट करने पर क्या एंट्री होती है, डिबेंचर्स एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू 12% डिबेंचर्स अकाउंट। ठीक है, 8 लाख रुपीज, 8 लाख रुपीज, ये तो हो गई हमारे पास में इशू करने की एंट्री। अब हमने कहा इंटरेस्ट पे करने की एंट्री करनी है, तो सबसे पहले इंटरेस्ट ड्यू करो, फिर इंटरेस्ट पे करो, और जब हमारा साल खत्म हो जाए तो साल के दौरान जो भी इंटरेस्ट हमने पे किया हुआ है वो पूरा इकट्ठा करके एसपी में डाल दो। ठीक है, बुक्स कब बंद हो रही है, हमारी क्वेश्चन में बताया हुआ था 31 मार्च को हमारी बुक्स हमेशा क्लोज हो रही है, तो जिस दिन बुक्स बंद होती है उस दिन एसपीएल वाली एंट्री करनी है, थर्ड वाली एंट्री। ठीक है, तो अब हमने कहा इंटरेस्ट ड्यू हो रहा है 30 सितंबर पे, आते पहले 30 सितंबर 2016, इस टाइम हमारा फर्स्ट इंटरेस्ट पे करना है अपने को। इंटरेस्ट पे करने पर एंट्री क्या होती है, इंटरेस्ट ड्यू करने पर इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर्स अकाउंट डेबिट टू कुछ डिबेंचर होल्डर्स को देना है, और कुछ हमें क्या करना है, टीडीएस के रूप में रोक लेना है। ठीक है, अब अमाउंट कितना आएगा उसके हमें सबसे पहले यहाँ पर अब क्या करनी पड़ेगी, कैलकुलेशन करनी पड़ेगी। तो मैं यहाँ पर एक वर्किंग नोट बना रहा हूँ, वर्किंग नोट नंबर 1, कैलकुलेशन ऑफ इंटरेस्ट। ठीक है, तो हमने कहा फर्स्ट इंटरेस्ट जो है वो 30 सितंबर को जो इंटरेस्ट हमें देना है, 30 सितंबर 2016 को, उस इंटरेस्ट की काउंटिंग जो होगी, ठीक है, ऑन यानी एज ऑन 30 सितंबर 2016, ये इंटरेस्ट जो है ये होने वाला है हमारे पास में डेट ऑफ अलॉटमेंट से लेकर फर्स्ट जो हम इंटरेस्ट पे करेंगे उसकी डेट तक। तो 1 जून 2016 टू 1 सितंबर 2016 कितने मंथ होते हैं, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर नहीं आएगा क्योंकि सॉरी सितंबर 30 सितंबर नहीं ना, तो आएगा 30 सितंबर, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, सितंबर एंड होने पर हमें इंटरेस्ट देना, तो सितंबर का भी इंटरेस्ट चार्ज होगा। तो पहला जो इंटरेस्ट है वो 4 मंथ का होने वाला है। ठीक है,
अब इंटरेस्ट की कैलकुलेशन कैसे की जाती है? इंटरेस्ट हमेशा फेस वैल्यू पे दिया जाता है, जो भी हमारे अमाउंट है, अमाउंट था हमारे पास टोटली 8 लाख रुपए का, जिसके ऊपर 12% जो इंटरेस्ट है। अब क्योंकि ये जो 12% है ये तो पूरे एक साल की रेट ऑफ इंटरेस्ट है, यानी अगर पूरा एक साल कंपनी इनके पास इनका पैसा अपने पास रखती है तो पूरे साल के एंड में 12% से इंटरेस्ट पे किया जाता है, लेकिन हमने इंटरेस्ट अभी जो देना है वो 1 जून से 30 सितंबर यानी 4 मंथ्स का देना है। तो इसी चीज़ को अगर मैं 4 मंथ में कन्वर्ट करूँ तो ये जो पूरे एक साल का है इसमें से 4 महीने का निकालना है, तो इंटू 4/12 कर लो, ठीक है? तो कितना जाएगा, 32,000, 32,000। तो 32,000 का हमारा हो गया पहला इंटरेस्ट, ठीक है? तो ये तो हमारा टोटल इंटरेस्ट है जो कंपनी देना चाह रही है 32,000, जिसमें से कंपनी को कुछ तो TDS के रूप में रोकना पड़ेगा, जो 10% था, तो TDS 32,000 का 10%, ठीक है? तो याद रखना ये जो TDS होता है ये इंटरेस्ट का ही तो होगा, जितना इंटरेस्ट हमने उनको पे करना है, ठीक है, उसका 10% पहले रोक लेना है TDS के रूप में। तो हमने कहा टोटल इसका इंटरेस्ट 32,000 बन रहा था, जिसका 10%, 32,000 का 10% 3,200 रुपये, 3,200 रुपये तो हमें TDS के रोक लेने, और 28,800 रुपये जो है वो डिबेंचर होल्डर्स को पे करना अपने को, ठीक है? तो 28,800 तो डिबेंचर होल्डर्स को पे करना है, 3,200 हमें किसको जमा कराना है, डिपॉजिट कराना है, गवर्नमेंट को। फिर नेक्स्ट 30 सितंबर को ही अब इंटरेस्ट पे करने की एंट्री करेंगे, तो ड्यू करने की होगी। पे करने पर ये दोनों लाइब्रेरी जो हमने यहाँ खड़ी करी थी क्रेडिट करके इनको ख़त्म करना है, तो एंट्री करेंगे डिबेंचर होल्डर्स अकाउंट डेबिट, TDS अकाउंट डेबिट, और टू में आ जाएगा टू बैंक अकाउंट। तो 28,800 रुपये तो डिबेंचर होल्डर्स को देने हैं, 3,200 TDS के, टोटल मिलाकर कंपनी को पे करना पड़ेगा 32,000 रुपये, ठीक है? अब आगे तो ये तो हमारी एंट्री हो गई 30 सितंबर। नेक्स्ट इंटरेस्ट जो है वो देना अपने को 31 मार्च को। अब देखो 30 सितंबर से 31 मार्च अब 6 महीने और हैं, यानी कि अब फ्यूचर में जो भी इंटरेस्ट होगा ना वो तो 6 मंथ का होगा, लेकिन फर्स्ट इंटरेस्ट हमें हमेशा देखना पड़ेगा कितने मंथ का देना है, ठीक है? जिसकी कैलकुलेशन मैं आपको बता चुका हूँ, डेट ऑफ अलॉटमेंट बहुत इंपॉर्टेंट डेट होती है, उस दिन से काउंट किया जाता है, ठीक है? चलिए अब है हमारे पास में नेक्स्ट, मैं नहीं आएगा यहाँ करा देता हूँ, 31 मार्च 2017 आ जाएगा। तो इस दिन हम सबसे पहले अगेन इंटरेस्ट ड्यू करने की एंट्री करेंगे। ध्यान रखना मैंने SPL में ट्रांसफर करने की एंट्री नहीं करी, क्योंकि फिर बता रहा हूँ वो साल के एंड में होती है, बीच में कभी भी SPL में ट्रांसफर नहीं होता है, ठीक है? साल जब खत्म हो जाएगा तो हम देखेंगे टोटल कितना इंटरेस्ट था, उसको इकट्ठा करके SPL पे ट्रांसफर कर देंगे। अगेन 31 मार्च आएगा 6 महीने बाद, फिर इंटरेस्ट ड्यू करना पड़ेगा, ड्यू करने पर, पे करने पर और SPL में ट्रांसफर करने की, 3 एंट्रीज इस बार होने वाली है। तो पहले ड्यू करने पर, ड्यू करने पर हम एंट्री करेंगे इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर्स अकाउंट डेबिट टू डिबेंचर होल्डर्स और टू TDS। इस बार जो इंटरेस्ट है जो हमें 31 मार्च को पे करना है 31 मार्च 2017, ये जो इंटरेस्ट होगा वो कब से कब तक का होगा? लास्ट इंटरेस्ट हमने 30/9 को दिया था, 30/9 से जस्ट बाद में 1/10/2016 से लेकर 31 मार्च 2017। अब देखिए कितने मंथ हो रहे हैं, 10 यानी कि अक्टूबर नवंबर दिसंबर जनवरी फरवरी मार्च, पूरे 6 मंथ का इंटरेस्ट। तो अब फ्यूचर में हर बार 6 मंथ का ही इंटरेस्ट इसका बनने वाला है, जिससे नेक्स्ट इंटरेस्ट होगा वो वापस सेप्टेम्बर में, तो मार्च से सेप्टेम्बर वापस काउंट करेंगे, फिर 6 महीने, ठीक है? यानी फ्यूचर का जो इंटरेस्ट है वो तो 6 मंथ का ही होने वाला है। अब इंटरेस्ट अगर देखा जाए 6 मंथ का कितना होगा, तो 8 लाख रुपीज इसका 12% मल्टीप्लाई 6/12, ठीक है, कितना हो जाएगा 48,000, क्लियर? तो हमने कहा टोटल इंटरेस्ट 48,000 था, जिनमें से 10% तो हमें TDS का रोक लेना है 4,800, और बाकी जो बच जाएगा हमारे पास 43,200 वो चला जाएगा डिबेंचर होल्डर्स में, ठीक है? फिर पे करने पर नेक्स्ट एंट्री हम करेंगे 31 मार्च 2017, डिबेंचर होल्डर्स अकाउंट डेबिट, TDS पे करना है, TDS
अकाउंट डेबिट और टू में आ जाएगा टू बैंक, बैंक से हम पे करेंगे, ठीक है। बैंक में पैसा आता तो बैंक को डेबिट करो, जाता तो क्रेडिट करो। तो 43,200 तो डिबेंचर होल्डर्स को देने हैं, 4,800 TDS के टोटल मिलाकर 48,000 पे बैंक को, सॉरी कंपनी को पे करने पड़ेंगे बाई बैंक, ठीक है। ये हो गई इंटरेस्ट की एंट्री। अब हमारी बुक्स होने वाली है यहाँ पर बंद, क्योंकि क्वेश्चन ने खुद ने बोला है कि 31 मार्च को मैं हमारी बुक्स क्या करनी है, क्लोज करनी है। जब बुक बंद होगी तो इस साल का जो भी इंटरेस्ट है वो पूरा इकट्ठा करके हमें SPL में डालना है, यानी एट द एंड एक और एंट्री करनी है अपने को SPL में ट्रांसफ़र करने पर, SPL अकाउंट डेबिट टू इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर्स अकाउंट, ठीक है। अब देखिए साल में टोटल इंटरेस्ट कितना था, एक तो ये रहा इंटरेस्ट 32,000, ध्यान रखना हमें इंटरेस्ट लेना है टोटल, हमें इससे फर्क नहीं पड़ता है कि कितना डिबेंचर होल्डर को गया दिया या कितना TDS दिया, हमने कहा हमारे लिए तो खर्चा जो है वो 32,000 है टोटल, ठीक है। तो 32,000 तो ये डिबेंचर्स के 32,000 प्लस 31 मार्च को हमारा इंटरेस्ट बना था 48,000, ठीक है। 32, 48 टोटल हो गए 80,000, तो 80,000 का हमारा जो पूरे साल का इंटरेस्ट हमने पे किया वो चला जाएगा कहाँ पर, SPL में, क्लियर। तो ये था हमारे पास में छोटा सा क्वेश्चन, ये हमारे वर्किंग नोट का पार्ट हो गया। तो इजी था मेरे हिसाब से, ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड है नहीं, बिल्कुल ही बेसिक सा क्वेश्चन है, ठीक है। इसको करिए, उसके बाद में हम 21 की नेक्स्ट वीडियो में आपको पूरा चैप्टर कंप्लीट करवा देंगे। थैंक यू।